करेक्ट करेक्ट क्लास में पढ़ रहा है, और इस बार प्रथम बार जो क्लास 8 का स्टेट एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन देगा, 15 बच्चे हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ 335 स्टूडेंट हैं अभी तक। शुरुआत में कम नंबर था, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बढ़ गया। पहले कच्चा बिल्डिंग था, उसके बाद MIBT बिल्डिंग था, अभी RCC बिल्डिंग, डबल स्टोरेज क्लासरूम बिल्डिंग बन गया, हॉस्टल बन गया, टीचर्स क्वार्टर बन गया, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल बन गया। अभी स्कूल अभी फुल फ्लेज्ड चल रहा है। यहाँ कंप्यूटर क्लास है, 32 कंप्यूटर लग गया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। एंड ये स्कूल पूरा मैंगो सर्कल, सिलेट संगो सर्कल और आसपास का सब लोअर समोसे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स को भी यहाँ चक्कर कर रहा है। बहुत बेनिफिट है यहाँ, हर बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से टैलेंटेड बच्चे हर साल को निकलता है। क्वालिटी एजुकेशन भी अच्छा है, डिसिप्लिन भी अच्छा है, और जो स्कूल कैंपस भी बहुत अच्छे से डेवलप किया है। प्ले ग्राउंड बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, अभी सिर्फ इंदौर का बनाना बाकी है शायद, इंदौर हॉल नहीं है वो बनाएंगे, वो भी बन जाएगा। आज 9th एनुअल स्कूल डे है, इसमें स्टूडेंट और जितना पेरेंट्स गार्जियंस को बुलाया है, और इस बीच में मैं भी यहाँ आया हूँ जामाटाना हम दोनों GPS कैसे होना, बहुत अच्छा लगा। जो छोटे छोटे बच्चे का जो परफॉर्मेंस देखिए, इतना टैलेंट है उसका, कल्चर प्रोग्राम्स है, फैशन शोज है, कॉमिक्स है, उसका सॉन्ग्स है, ड्रामास है, अनेक प्रोग्राम का जो कार्यक्रम दिखाया है, वह वाह सौंदर्य। हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा मिंगो इंटीरियर एरिया में भी इस प्रकार का प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ पर तकलीफ है, कठिन है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, फिर भी इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अच्छे से प्रोग्राम में आयोजन किया, उनको शाबाशी देते हैं देता हूँ, और उनका बेस्ट विशेष एडमिशन के लिए। यहाँ विशेष करके जो ग्रैंड फादर्स है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, यहाँ जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स को अच्छा से देखभाल कर रहा है, उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। सर आप कितना निकले यहाँ पे दौड़ा पे सर? आज से शुरुआत है मैंगो सर्कल में, कल वुमेन्स हेल्प हेल्प ग्रुप मैंगो को मिलेंगे, उन लोग के साथ मीटिंग होगा, और उन लोग का क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन लोग आगे थोड़ा आगे के लिए तैयार करेंगे। मोस्टली वुमेन इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हम चर्चा करेंगे, और प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स उसका भी हम चर्चा की जीत करके देखेगा, जो जहाँ जहाँ चल रहा है उसमें हम करता हूँ। परसों तो मेरा प्रोग्राम है मैंगो सर्कल में, परसों यहाँ बानी बाबो इंग्लिश स्कूल में भी प्रोग्राम है, चिल्ड्रेंस डे मनाएगा, जामा ताना साहब का माँ का डेथ एनिवर्सरी भी है, देन पान में रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें भी एक क्लोजिंग फंक्शन में हमको बुलाया है, उसके बाद हम परसों। कम्युनिकेशन तो यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लास्ट बॉर्डर विलेज टप्पो विलेज है, वहाँ PMJSY का दौरा पक्का रोड कनेक्ट हो गया, और अभी एक दो तीन गांव बाकी हैं रोड पहुँचाने के लिए, एक टू ये पगा विलेज निगम पंचायत में है, बोंग विलेज है, और अभी तच्चा में पहुंचाना है पक्का रोड। तीन गांव है मैंगो सर्कल में, ये शायद ये दो साल में शायद वो भी पहुंच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 100% रोड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी होगा। अभी टेली कम्युनिकेशन बाकी है, BSNL सिर्फ आया है, हम चाहता है कि यहाँ में एयरटेल भी जल्दी आए और वोडाफोन भी जल्दी आए यहाँ, और जियो ऐसे कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है,
वो लोग जल्दी आने से ठीक है। सरकार ने तो पैसा दे दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग बहुत लेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को मैं अनुरोध करूँगा आपका चैनल का माध्यम से कि वो लोग जल्दी से जल्दी डिजिटल कनेक्टिविटी को पहुँचा दें। चर्च गाय सख्यम बोल के नहीं है, ये मारूंग जी का तो पंजर ब्रिज पॉइंट जो स्कीम का नाम, ये जो स्कीम अभी निशित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डोनर मिनिस्ट्री से सेंक्शन हो गया है 20 करोड़ का, और सेंक्शन होने के बाद अभी टेंडर भी हो गया, दो बार टेंडर तक कुछ वो लोग पोस्टपोन कर रहा है, ये कुछ कंप्लेन के वजह से या कोर्ट कचहरी के वजह से, ये कोर्ट कचहरी का कंप्लीट हो जाने के बाद ये टेंडर जल्दी खुलना चाहिए और जल्दी करके काम अवॉर्ड करके ये रोड को जल्दी कंप्लीट करना है। रास्ता तो है उसका अभी पूरा ऑल वेदर रोड बनाने के लिए हम लोग ने ये सेंक्शन कराया। पक्का रोड बनेगा ये ब्लैक टॉप रोड, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर लोग अच्छा काम करें, कॉन्ट्रेक्टर लोग अच्छा करने से उसको ईश्वर भी ब्लेसिंग देगा और पब्लिक भी ब्लेसिंग देगा और उनका लंबा उम्र जिएगा। कॉन्ट्रेक्टर खराब करने से कर्ज ही कर्ज मिलेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रेक्टर भविष्य में फ्यूचर में जो एरिया में गांव में काम करने वाला, अपना गांव के लिए अपना समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। गलत तरीका से पैसा कमाने से तो पाप हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अनुरोध है हर कॉन्ट्रेक्टर को। ये हमारा मिंजो का एक प्राइवेट स्कूल है और ये इसका नाम क्रिपस क्रिस्टी स्कूल है और ये आज 9th एनुअल डे सेलिब्रेशन स्टूडेंट लोग का मना रहा है। तो आज सभी अपना पेरेंट्स को भी बुलाया और उसके साथ हमारा लोकल MLA भी आया है और हम लोग का जितना भी उसका साथ जो आया हम लोग उस प्रोग्राम को अच्छे से मनाया और बहुत इन्जॉय भी किया। और यहाँ में सब हमारा मिंजो का जितना भी जो मैक्सिमम जो बच्चा जो यहीं में पढ़ाई करता है और ये अफोर्डेबल है और हमारा स्पेशली हमारा लोकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ से बाहर स्कूल हमारा अर्बन एरिया में जो बच्चे को नहीं रख पाते हैं वो यहाँ में हम लोग यहीं पर सभी बच्चा को यहीं में। टोटल आप कितना स्टूडेंट हैं यहाँ पे? इट्स अराउंड 330, एक्चुअली तो नहीं है, मोर देन 300 है अभी यहाँ में और काफ़ी डिमांड भी है हमारा यहाँ लोकल का। और एक लोता यहाँ का एक अच्छा हमारे यहाँ में प्राइवेट स्कूल है और जिससे मैं तो बोलेगा ये हमारा एक वर्ल्ड क्लास का ही ऐसे डिसिप्लिन यहाँ भी सिखाता है हम लोग का नज़र में, हम लोग का यहाँ लोकल का हिसाब से। तो मेरा हिसाब से इसलिए हम लोग पेरेंट्स लोग मैक्सिमम बहुत डिमांड होता है या जो भी एडमिशन समय में, मैं एज ए SNC यहाँ का मेंबर है तो मैं थोड़ा जानकारी है तो काफ़ी डिमांड होता है। लेकिन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का वजह से ये क्लासरूम ये सब सीट का अवेलेबल नहीं होने का कारण से हम लोग सभी बच्चों को यहाँ नहीं रख पाते हैं। सुनने में सर ऐसे आया था जो रास्ता जो ये बनाया रहा था जो गेट के उस पार में था वो काफ़ी ख़राब था। हाँ, तो क्योंकि सब ने कुछ उसको बनाने के लिए कुछ अपनों को फान दिया गया। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है। तो यही हम लोग लोकेलिटी यहाँ का लोकल हम लोग पब्लिक नहीं हमारा MLA को हम लोग मंगा है और ये सही समय में हम लोग को ये रास्ता को दिया है बाकी इसके लिए हम लोग बहुत हेल्पफुल है। अभी पहले उधर मेन रोड से ही हम लोग पैदल आना पड़ता था और काफ़ी यहाँ का बच्चा लोग का और यहाँ का सामान लाने में बहुत दिक्कत होता था, अभी बहुत अच्छा है।